इस क्वेश्चन में हमें तीन पॉइंट गिवन है, तो इसको ए बी एंड सी ले लेते हैं। अब लिखा है कि हमें फाइंड करना है के जब ये तीनों पॉइंट्स कोलीनियर हैं। कोलीनियर मतलब होता है तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो जब तीन पॉइंट कोलीनियर होते हैं तो ये डिस्टेंस ए बी प्लस ये डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू ए सी। एक मेथड है कि हम ये तीन डिस्टेंस फाइंड करके इसको इक्वेट कर लें तो हमें के मिल जाएगा, पर ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो एक और मेथड होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला। तो अगर तीन पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हैं तो ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे ही नहीं, और अगर ट्रायंगल नहीं फॉर्म करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इनका आ जाएगा जीरो। तो अब हम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे। कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया जीरो। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम फाइंड करते हैं 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2 से। फर्स्ट वाला एक्स होता है तो ये हो गया एक्स वन, ये एक्स टू और ये एक्स थ्री, और ये आ गया वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई थ्री माइनस वाई वन और वाई वन माइनस वाई टू। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे और इस पूरे को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला मिल गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो है तो ये पूरा भी इक्वल टू जीरो होगा। अब यहाँ ए पॉइंट होगा एक्स वन वाई वन, बी होगा एक्स टू वाई टू और सी होगा एक्स थ्री वाई थ्री। इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा हाफ इंटू 8 इंटू वाई टू विच इज माइनस टू माइनस वाई थ्री माइनस फाइव प्लस के इंटू वाई थ्री माइनस फाइव माइनस वन प्लस टू इंटू वाई वन वन माइनस वाई टू माइनस फोर। अब ये पूरा इज इक्वल टू जीरो, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। कितना लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें k मिल गया माइनस 18 बाय माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, 6 3 से 18 तो k की वैल्यू आ गई 3।